हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज है मेरे पास एक ट्राइपॉड और एक गिम्बल। दोस्तों, इसका प्राइस है 400 रुपया और इसका प्राइस है 6,000 रुपया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों का कंपेयर करेंगे कि कौन अच्छा है और किसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, प्राइस के मामले में ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम है। तो क्या ये छोटा सा और कम प्राइस वाला इस बड़े से और ज्यादा प्राइस वाले को टक्कर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसे अच्छे से कैसे यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद से इस गिम्बल के बारे में जानेंगे कि इसको हम कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, और उसके बाद से दोनों का कंपेयर करेंगे कि क्या ये छोटा सा इसको टक्कर दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, ये है गोरिल्ला ट्राइपॉड, जो कि डीटे कंपनी की ओर से आता है। अभी इसका प्राइस लगभग अमेजोन पर 400 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसका प्राइस कहीं कहीं पर 300 के भी आसपास मिलता है, लेकिन जो इसका मोबाइल का होल्डर होता है ये वाला, वो बहुत ही बेकार मिलता है। तो मेरा राय आपसे यही है कि आप इस होल्डर वाले को देखकर जरूर बाय कीजिएगा। ये 300, 350, 400 के आसपास आपको अच्छे से मिल जाएगा, और ये बहुत ही मुलायम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम कैसे भी इसे हम बैंड कर सकते हैं, इसको भी बैंड कर सकते हैं, और इसे बहुत छोटा भी हम बना सकते हैं। जिसे हमें कहीं शूट करना होता है, रख कर मोबाइल तो वहाँ पर बहुत आसानी से इसमें रख कर शूट कर सकते हैं। और जब हम इसे ब्लॉगिंग करते हैं तो आप इसको ऐसे रख कर और यहाँ पर मोबाइल आप करना बहुत ही आसानी से इसमें लग जाता है, और उसके बाद से आप ऐसे ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही मुलायम होता है, आप इसे कहीं पर रख कर इसे बैंड भी कर सकते हैं, और बहुत आसानी से कहीं पर भी कैसे भी जगह पर यह बहुत आसानी से खड़ा हो सकता है। चलिए अब बाहर चलते हैं और इसका क्वालिटी चेक करते हैं कि बाहर चलते समय इसे वीडियो कैसे रिकॉर्ड होता है, क्या वीडियो कांपता तो नहीं है, ये हिलता तो नहीं है, वीडियो अच्छा से आता है कि नहीं आता है। तो देखा दोस्तों आपने, वीडियो थोड़ा थोड़ा यानी बहुत कम ही हिल रहा था, यानी इसे आप बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, लेकिन यह बहुत हद तक बहुत अच्छा है। तो अब चलिए बात करते हैं इस गिम्बल के बारे में। तो इसे रखते हैं हम साइड में। तो दोस्तों, यह है 3 एक्सिस स्मार्टफोन गिम्बल। दोस्तों, ये भी डीजे कंपनी की ओर से आता है और इसका प्राइस 6,000 रुपया है। दोस्तों, इसका प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो चलिए इसमें मोबाइल लगाकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसमें बहुत आसानी से यहाँ से मोबाइल इसमें लग जाता है, इसे थोड़ा सा ऐसे खींचने पर इसमें मोबाइल यहाँ पर बहुत आसानी से लग जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा मोबाइल लग चुका है, और इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो ऐसे हो जाता है, जहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर पावर का बटन दिया है, जिसे हम ऑन करते हैं तो यह ऑन यहाँ पर हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो चुका है, और जैसे यहाँ पर ग्रीन लाइट जलता है यह सेट हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैं इसे राइट घुमाता हूँ ये राइट घूमता है, और इसे लेफ्ट घुमाता हूँ ये ऑटोमेटिक लेफ्ट घूमता है, और ऊपर नीचे करना होता है तो भी ये बहुत आसानी से यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है। और ये दोस्तों, ये 3 टाइप का रोटेट करता है, एक बार यहाँ से रोटेट करता है, और एक बार यहाँ से रोटेट करता है, और एक बार अपने मोबाइल को घुमाता है, इसीलिए इसे 3 एक्सेस गिम्बल कहते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं और इसका भी क्वालिटी चेक करते हैं कि इसका क्वालिटी कैसे आता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब हम इस गिम्बल से वीडियो कर रहे थे तो उसका क्वालिटी कैसे आ रहा था। तो चलिए अब इस ट्राइपॉड वाले का वीडियो और इस गिम्बल वाले वीडियो को एक साथ करके देखते हैं और इसका कंपेयर करते हैं कि किसका वीडियो क्वालिटी अच्छा है।
तो दोस्तों आपने देखा कि इस गिम्बल का वीडियो क्वालिटी कितना स्मूथ और कितना अच्छा आ रहा था, और इस ट्राइपॉड का थोड़ा सा हल्का हल्का वीडियो हिल रहा था। लेकिन दोस्तों इसका प्राइस भी तो बहुत ज्यादा है और ये मात्र 400 में मिलता है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा गिम्बल या ये ट्राइपॉड आपको पसंद आ रहा है और अभी आप किसे बाय करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।